लंडन हीथरो तो अमृतसर लई हर हफ्ते विशेष उड़ान विच वादा किया गया है। फ्लाई अमृतसर इनिशिएटिव अते सेवा ट्रस्ट यूके दे सांझे यतनां नूं बूर पिया है। उन्होंने वालों जिथे भारत सरकार का धन्नवाद किया गया है उत्थे ही वंदे भारत मिशन तहत शुरू होने जा रही इस उड़ान नूं नियमित रखने की मांग भी की गई है। सो उड़ाणा नूं लैके की बदलाव किए गए हैं, उड़ाणा कदों तो शुरू होणगियां, इस बारे जानकारी देणगे ब्रिटेन तो साडे सहयोगी मनदीप खुरमी हिम्मतपुरा। कोरोना वायरस के दौर में विदेशों में फसे भारतीयों लई वंदे भारत मिशन तहत हवाई उड़ाणा की गिनती में वाधा किया गया। इस संबंधी फ्लाई अमृतसर इनिशिएटिव के ग्लोबल कन्वीनर समीप सिंह बटाला ने PTC नाल विशेष वार्ता दौरान दस्या कि 24 अगस्त तो 30 सितंबर तक श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर और लंडन हीथरो दरम्यान हर हफ्ते एक दिन विशेष सीधी उड़ान शामिल की गई है। सेवा ट्रस्ट यूके के चेयरमैन चरण कमल सिंह सेखों ने भारत सरकार ते हवाबाजी मंत्री हरदीप सिंह पुरी का धन्यवाद करदिआं बेनती की है कि इन्हां उड़ाणा की गिनती वधाई जाए ते भारत वल्लों निजमत अंतरराष्ट्रीय व्यापारक उड़ाणा मुड़ शुरू करन तो बाद अमृतसर तो लंडन हीथरो लई हवाई उड़ाणा नूं जारी रख्या जाए। नाल ही उन्हां अमृतसर तो बर्मिंघम लई भी सीधियां उड़ाणा शुरू करन की मंग रखी है। एयर इंडिया ने जड़ा वंदे भारत मिशन पिछले कुछ महीनों तो जड़ा शुरू किया है, जिस तहत तो खास उड़ाना जड़िया ने वो विश्व के कई मुल्कों चला रही है ता जो जड़े विदेश विच भारती ने ते जां फिर जड़े विदेशी भारत विच हन वो जड़ा हवाई सफ़र है वो नाल वो कर सकन ते नाले वापस भी अपने अपने घर जा सकन। इस तरह हुण होर भी जड़ा है फ्लैक्सीबल उस विच छोटा दित्तियां गईयां ने, जिस तरह OCI होल्डर्स ते होर भी जड़े वीज़ा जड़े रेगुलर वीज़ा होल्डर्स ने वो अपना जड़ा सफ़र है हवाई सफ़र कर सकते ने। इन्हां उड़ाना जड़ियां ने सारियां बहुतियां उड़ाना जड़ियां सन वो वाया दिल्ली खास करके लंडन हीथरो तो दिल्ली राही अमृतसर चलाइया जा रही सन। तो इस तरह होर भी जिहड़ियां कनैक्टिंग फ्लाइट्स ने वो लोगों दिल्ली तो लैके फिर अमृतसर जा अमृतसर तो वाया दिल्ली राही विदेश नू जाना पै रहा सी ते जा फिर पंजाब तो हरियाणे थाने जाके सड़की आवाजाई राही उन्होंने दिल्ली तो जड़िया ने उड़ाना लैनिया पै रही हैं। पर इस तहत हुण 24 अगस्त तो सितंबर के अखीर तक जड़ा एयर इंडिया वालों नवा स्कैजुअल जड़ा जारी किया गया है उस विच उन्होंने अमृतसर तो लंडन हीथरो ते अमृतसर दरम्यान हफ्ते विच एक दिन सोमवार वाले दिन लंडन हीथरो तो अमृतसर अते मंगलवार नू अमृतसर तो लंडन हीथरो लई सीधी उड़ान जड़ी है वो शामिल की गई है। इसका असी फ्लाई अमृतसर इनिशिएटिव ते अमृतसर विकास मंच वालों बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं शहरी हवाबाजी मंत्री मानयोग सरदार हरदीप सिंह जी पुरी जी का। लंडन हीथरो की डिमांड बहुत ही पिछले सालों तो पंजाबियों वालों रही है ते इसे तहत अमृतसर विकास मंच ते सेवा ट्रस्ट यूके वालों एक सांझे तौर पर जड़ी है 2018 विच भी मुहिम चलाई गई ते जिस तहत पिछले साल नवंबर विच अमृतसर तो स्टैंडस्टेड लई जड़िया ने वो लंडन स्टैंडस्टेड लई उड़ाना शुरू हुई हैं, पर लंडन हीथरो लई जड़ी है वो मांग फिर भी हुंदी रही। तो हुण खुशी है कि भारत सरकार ने भावें हुण थोड़ा देर नाल शुरू की है फ्लाइट क्योंकि जदों वंदे भारत मिशन शुरू किया गया तो उम्मीद सीगी कि भारत सरकार सीधा लंडन तो अमृतसर लई फ्लाइट्स ऑपरेट करेगी, पर इन्हां नूं वाया दिल्ली राही किया गया। पर हुण असीं इसका स्वागत करते हैं कि एयर इंडिया ने इसनों सीधा एक दिन लई शुरू किया है। उम्मीद सी कि ज़्यादा दिन ये फ्लाइट होएगी क्योंकि सब तो वध जड़ी गिनती सी जेकर असी ये वायबिलिटी जां पोटेंशियल दी गल करिए ते महामारी दौरान जदों मार्च महीने विच पूरी दुनिया जां भारत दे सारे एयरपोर्ट जड़े सन मैं कहांगा वड्डे एयरपोर्ट भी वो बंद रहे, पर अमृतसर दा गुरु की नगरी दा श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बहुत ही बिजी रहा। तकरीबन 10 to 15,000 तो वध जड़े यूके दे जड़े वसनीक सन उन्होंने रजिस्टर किया तकरी अपनी अंबैसी दे नाल वापस जान लई। इस तरह कैनेडा तो भी वड्डी हज़ारा की गिनती विच जड़े ने कनेडियंस ने यह मांग की कि साडे कोलों लॉकडाउन दौरान दिल्ली जाना बहुत मुश्किल है ते उन्हां दी सरकार ने मंग मानदे हुए
यूके की गवर्नमेंट ने अप्रैल ते मई के महीने में तकरीबन 28 फ्लाइटा जड़िया ने सीधिया अमृतसर तो हीथरे लिए ओपरेट कीतिया सन ते तकरीबन 8,500 जड़े यूके दे वसनीक सन वो वापस गए। इस तो बाद भी कनेडा दे भी तकरीबन 25 फ्लाइट्स ते कुल तकरीबन 17,000 to 18,000 लोग अप्रैल मई के महीने अमृतसर तो यूके ते कनेडा लिए गए। दिल्ली तो भी इनिया फ्लाइट्स जड़िया ने वो यूके लिए नहीं गई उस दौरान। सो सब तो वध जड़े सन मैं कहांगा वसनीक असी कहांगे वो पंजाब विच सन। सो उम्मीद है कि जब रेगुलर फ्लाइट्स शुरू होणगियां एयर इंडिया वालों जदों रेगुलर फ्लाइट्स जां भारत सरकार वालों रेगुलर फ्लाइट्स की परमिशन दिती जाएगी सारी तो उदों एयर इंडिया वालों अमृतसर तो लंडन हीथरो लई अक्तूबर तो बाद भी भावें वंदे भारत मिशन तहत होवे ते जां रेगुलर फ्लाइट्स होन ते उदों भी अमृतसर नूं सीधा हीथरो नाल जोड़िया जाएगा ता जो ईवन इत्थों तक लंडन लई सिर्फ यूरोप अते यूके यूएस कैनेडा दे लोग भी जड़े ने पंजाबी भी ने वह भी लंडन राही एयर इंडिया के जोड़े भाईवाल एयरलाइनस ने वो उत्थे जा सकनगे। धन्यवाद करते हैं फिर तो एक बार भारत सरकार का ते मानयोग मंत्री सरदार हरदीप सिंह जी पुरी जी का ते ये भी मांग करते हैं कि अमृतसर तो बर्मिंगम जड़ी सीधी उड़ान चलती सी उसनों भी हुण इन्हां खास उड़ाना विच शामिल किया जाए ते नाल दी नाल टोरंटो ले भी ते वैंकूवर ले भी इत्थों जिहड़ियां ने उड़ाना ने ओ सिद्धियां कीतियां जाणगियां तां जो पंजाबी पंजाबियां दा समा ते नाल दी नाल जिहड़ा भविख विच किराया भी है वह भी बच सके ते जिहड़ी खज्जल खुआरी उहनां नूं सड़की आवाजाई राहीं जां वाया पहलां दिल्ली वल नूं जाके फिर दूजे पासे नूं हुंदी है वह ना हो सके। धन्यवादी हाँ मीडिया के भी जो कि साड़ी जिहड़ी मंग है वो हर वेले सरकार तक पहुँचाते हैं तो इस तरह उम्मीद है कि पंजाबी भी अपना जिहड़ा है वो अमृतसर नूं अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर हवाई अड्डे नूं असीं कहांगे प्रेफरेंस देंगे तो हमेशा इत्थे ही इत्थे फ्लाई करन ते इस तरह ही असीं रल मिल के भावें संस्थावां ने सेवा ट्रस्ट यूके जां विकास मंच सारी इकट्ठे होकर रल मिल के जिहड़ी मंग है वो सरकार तक जां एयरलाइनस तक पहुँचाते रहेंगे। साडी बदकिस्मती है कि असीं अमृतसर तो जो दुनिया के मेन शहर ने उन्हां नूं डायरैक्ट फ्लाइटां नहीं हजे तक शुरू कर सके और इस संबंध में सेवा ट्रस्ट यूके वालों पिछले काफ़ी सालों तो असी यह कैंपेन करते आ रहे हैं और कुछ सालों तो जो अमृतसर विकास मंच आ एन जी ओ ना रल के सेवा ट्रस्ट और अमृतसर विकास मंच दोनों एन जी ओ ने रल के इस बारे काफ़ी काम किया और मैनू बहुत ही यह खुशी हो रही है दसते हुए कि इसकी जो शुरुआत सी कैंपेन सी ब्रिटिश पार्लीमेंट तो असी 2018 शुरू की सी और उस तो बाद इंडियन हाई कमीशन के थ्रू प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी असी इस मामले पर लिखती रूप में जो ये मंग पत्र दे चुके हैं और मैं बहुत खुशी है आप जी ने दसते हुए कि पिछले साल इंडियन गवर्नमेंट वालों जो अनाउंसमेंट की 550वें गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव की खुशियां एक डायरैक्ट फ्लाइट जो स्टैनसेड तो शुरू हुई सी और साड़ी जो डिमांड है वो है हीथरो तो डायरैक्ट फ्लाइट अमृतसर क्योंकि हीथरो इज अ वर्ल्ड हब हीथरो नाल सारी दुनिया के कनैक्शन शहरों के बढ़ जाते हैं और कैनेडा अमेरिका तो भी जो साढ़े भैन भरा ट्रैवल करते हैं पंजाब में उन्होंने भी यह डायरैक्ट कनैक्शन बनता और यह बहुत खुशी की गल है कि हीथरो तो भी यह फ्लाइट शुरू हो जा रही है जो हूँ तक इन्फॉर्मेशन मिली है उस अनुसार यह एक शायद टैंपरेरी तौर पर फ्लाइट शुरू हो रही है और मैं आप जी के चैनल के जरिए अपील करना चाहना कि इस फ्लाइट न परमानेंट किया जाए क्योंकि जो करोना लॉकडाउन होया उस साढ़े सामने गल सामने आई है कि पंजाब तो तकरीबन 30 के करीब फ्लाइटा इतने यूके आई हैं किसी भी स्टेट तो इनिया फ्लाइटा नहीं आई जिन्या पंजाब तो आई ने। सो एक पुख्ता सबूत आ एविडेंस हैगी कि कितनी ट्रैवलिंग डिमांड हैगी पंजाब तो। सो इस तो वड्डा होर की सबूत हो सकता कि जो एयरलाइना कह रही सी भी शायद सानू पैसेंजर नहीं मिलेंगे उस तो बिना एविएशन जो गवर्नमेंट सी वो भी कह रही सी भी डिमांड ना हो। सो ये हुण सारियां गल्लां दा आंसर गवर्नमेंट नू एविएशन अथॉरिटी नू और खास करके जो एयर इंडिया उन्होंने मिल चुके हैं कि पंजाब चो जो डायरैक्ट फ्लाइट आऊगी हीथरो नू बिल्कुल फेल नहीं होगी कामयाब होगी। और दूसरी मैं गल मैनशन करनी चाहना कि दोनों एन जी ओ जो सेवा ट्रस्ट यूके अमृतसर विकास मंच दोनों ने रल के कैंपेन शुरू की और साडा कोई निजी स्वार्थ नहीं है बिल्कुल ही किसी दोनों एन जी ओ का ना कोई कमर्शियल इंट्रस्ट ना कोई बिजनेस इंट्रस्ट केवल जनहित लई
असी आवाज़ बुलंद करते आ रहे हैं कि लोगों की सुविधा लिए एक जैनुअन यह डिमांड है साड़ी और डायरैक्ट फ्लाइटा शुरू होनी चाहिए। सो मैं एक बार फिर भारत सरकार का और खास करके हरदीप पुरी जी का धन्यवाद करदा कि उन्होंने जो साड़ी डिमांड से इस वाल ध्यान दिता। जिक्र योग है कि फ्लाई अमृतसर इनिशिएटिव और सेवा ट्रस्ट यूके दोवें संस्थान रलमे तौर पर इस मुहिम का हिस्सा बने ने। ग्लासगो स्कॉटलैंड तो पीटीसी न्यूज़ लई मनदीप खुरमी हिम्मतपुरा।